शिक्षा नीति है, देखिए उस समय उसकी चर्चा हुई। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? संचार, जिसको आज हम संचार को हमने क्या कर दिया, एक हमने सीमित दायरे में बांध कर दिया कि एक प्रिंट मीडिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, संचार मीडिया नहीं। संचार उस समय भी था, नगाड़े बजाए जाते थे, बहुत सारी ध्वनियां निकाली जाती थी। वो आज भी, आज यहां पर बेल बजती होगी एक घंटे बाद, कार का हॉर्न बजता है, गिरजे घर में टन टन की आवाज आती है, अभी यहां शंख बजाया गया, ये संचार ही तो है। ये सॉफ्ट स्किल, इसको सॉफ्ट स्किल कहा जाता है, जिसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात हुई है। और बात हुई है व्यावसायिक क्षेत्र की, कादम्बिनी जो मैं बार बार कह रही हूं, आज भी हो रही है, अभी चर्चा कर रहे थे आप। क्या व्यवसाय थे हमारे यहां? कुम्हारगिरी थी ना, मिस्त्री होते थे, जिसको हम कहते हैं ललित कलाओं में है स्थापत्य कला। वो स्थापत्य कला क्या है? मूर्ति बनाना, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट बनते हैं, ताजमहल जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बने हैं, वो स्थापत्य कला है। मिस्त्री होते थे, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। अब वो शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग हो गई, उस समय भी तो था पेशेवर। हमारे यहां वैद्य हुआ करते थे, पेशे से जुड़े हुए, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, यूनान से आया हुआ। अब नया चिकित्सा जगत, डॉक्टर हैं। और वही मैंने कहा कि पहले पेशे थे मिस्त्री, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाते थे, अब वो जुड़ गए इंजीनियरिंग से। और वैज्ञानिक क्षेत्र सभी आप जानते हैं, यहाँ पर विज्ञान के लोग भी बैठे होंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बायोटेक्नोलॉजी हो आदि। तो कहने का ये हुआ कि प्राचीन काल का जो भारत है, उस भारत में आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम कहते हैं आधार हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बारिश तो अचानक नहीं होती, पहले जो विज्ञान होगा या जो नहीं भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, पहले पानी भाप बनता है, घटाएं घिरती हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है, माने अचानक कोई घटना नहीं घटती। तो ऐसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसका आना अचानक नहीं हुआ है, बहुत दूरगामी एक दृष्टि। जैसे हम बार बार कहते हैं कि आज जिस टीडी कॉलेज में हम बैठे हुए हैं, उसके संस्थापक का एक विजन नहीं होता तो आज हम ये इस महाविद्यालय में नहीं बैठे हुए। कितने लोगों की रोजी रोटी नहीं होती, यदि उन्होंने उस समय सोच लिया होता, कह रहे ये कितना दूर है, गांव है, यहाँ कौन आएगा, इस महाविद्यालय को बनाने की क्या जरूरत है, तो आज खड़े होकर हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें। तो एक विजन होता है जब कोई शिक्षा नीति या अन्य प्रकार की नीतियां आई। अब आप देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, बहुत सारी समस्याएं आपने बताई जिसकी चर्चा यहाँ अवश्य होनी चाहिए। देखिए ऐसा होता है, COVID-19 आया, केवल पहले डिस्टेंस एजुकेशन होता था, हम लोगों ने करीब 20 साल पहले, मैंने मद्रास, मैं तो मद्रास से हूँ, 40 साल से वहीं हूँ, अभी भी वहीं हूँ, 20 साल पहले डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हम लोगों ने कैसेट बनाए शिक्षा देने के लिए, क्लास में हम लोग पढ़ाते थे और वीडियोग्राफी होती थी, कैसेट बनते। जो आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वही बात तो कह रही, जब COVID-19 आया तो क्या हुआ, आप लोगों ने पढ़ाया ना ऑनलाइन। कहने का मतलब ये कि जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान पहले जरूर होता है, उसको खोजने की जरूरत। एक उदाहरण दूं, यहां के सारे आप लाइट बंद कर, अंधेरा हो जाएगा, हम बाहर से जब इस कक्ष को देखेंगे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ वस्तुएं हैं। जब आप लाइट जलाएंगे तब आप जान पाएंगे कि यहाँ वस्तुएं हैं। यही स्थिति मनुष्य की है। जो शिक्षा है वो मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है, उसका व्यक्तित्व तो है, केवल उसको मांझने की जरूरत होती है। हमारे सारे प्राध्यापक ये जानते हैं कि COVID-19 में केवल उच्च शिक्षा में नहीं,
बल्कि केजी स्कूलों में भी, नर्सरी स्कूलों में भी टीचरों ने ऑनलाइन कक्षाएं ली हैं। सभी यहां बैठे होंगे, यदि कहीं स्कूलों के टीचर भी आए हो, उन्होंने रास्ता निकाला कि जहां कुछ नहीं है हम वहां कुछ तो कर लें। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका क्रियान्वयन हो गया, डीके सिंह जी, वो लागू हो गई, हम लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। और मैंने इस पर, मैं चाहूंगी कि आईक्यूएसी सेल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, लगातार जितने भी कार्यक्रम यहाँ करवाए, मैंने विश्वविद्यालय में कहा है जितने भी सेमिनार वेबिनार और बल देख कार्यशाला वर्कशॉप, बल्कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आप वर्कशॉप करवाएं ना कि सेमिनार, क्योंकि वर्कशॉप में कार्यशालाओं में हम विद्यार्थियों को जोड़ पाते हैं और सेमिनार में विद्वान जुड़ते हैं। तो सेमिनार तो हम बहुत कर दें, हो गए। अब जैसे फीडबैक की बात हो रही थी, जब हम विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, नवांगतुक जो हमारे टीचर हैं उनको जोड़ेंगे, तब हमारा फीडबैक अच्छा और वो लोग ये बता पाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है। इसको एक शब्द में बताऊं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमने आर्ट्स का एक विषय ले लिया, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमने संगीत सीख लिया, तो क्या हमारे लिए वो उपयोगी नहीं होगा? होगा, इसलिए होगा, यदि हम वहां रोजी रोटी नहीं कमा पाए तो हो सकता है करत करत अभ्यास के जड़मत भूत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। हो सकता है संगीत ही हमारी रोजी रोटी का माध्यम बने। इसको कहते हैं व्यवसाय परक पाठ्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट अभ्यास जहां है। आप देखिए पॉटरी, ये कोई जरूरी नहीं कि कुम्हार ही पॉटरी बनाए, एक वो स्किल है, एक कला है, उस कला का उपयोग करते हुए बढ़िया बढ़िया गमले बनाना, जैसे हम लोगों ने अपने यहां किया। व्यवसाय परक पाठ्यक्रम क्या किया हमने, श्रावण महोत्सव किया, महिलाओं, गांव की महिलाओं को, महिला समूह को जोड़ा, हमने हजार हजार रुपए दिए विश्वविद्यालय की ओर से कुछ लोगों को, महिलाओं को, मैंने 10,000 का एक फंड क्रिएट किया और 1,000 दिया वो। आप रॉ मटेरियल खरीदो, राखी बनाओ, बाजार हम दें। उन्होंने बनाया अचार, बड़ी, पापड़, चूड़ियां और बहुत सारी चीजें, राखियां, और विश्वविद्यालय ने उनको जगह दी जहां पर उन्होंने स्टॉल लगाया। विजय साक्षी हैं और आप लोग भी साक्षी हैं, बहुत अच्छी कमाई हुई, वो उनका अर्जन। ये है कला और ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें लड़कियां। अभी हमने एक एमओयू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, हमने 30 मशीनों का ऑर्डर दिया है टेलरिंग की, एम्ब्रॉयडरी की। अब वो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, 30-30 का एक बैच बना रहे हैं और वो उसमें कोई भी आए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, निशुल्क है, चाहे लड़की, चाहे लड़का, चाहे महिला, कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है। वो वहां पर सीखेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिलेगी मिनिस्ट्री की और 5,00,000 तक का उनको रोजगार, बैंक से उनको रोजगार, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं उद्यमिता। तो ये कागज पर नहीं है, ये हमने क्रियान्वित कर दिया और वो जो पैसा मिलेगा, जो सीख रहा है, जो लेना चाहे, जो अपना काम शुरू करना चाहे टेलरिंग का, जैसे आज बुटीक है, बुटीक कह लेंगे, मॉडर्न या जिस तरीके में आप कहेंगे, तो बुटीक सीख करके, डिजाइनिंग सीख करके वो आ करके अपना काम शुरू कर सकता है। और एक और गारंटी है कि जो संस्था ये कार्य जो करवा रही, जिसके साथ हमने एमओयू किया है, वो नौकरी भी दिलवा रहे, ये भी गारंटी है कि यदि कोई विद्यार्थी जो यहां वहां सीखा वो नौकरी करने जाना चाहता है भारतवर्ष में, जहां वो भेजना चाहेंगे, यदि उसकी इच्छा है तो जाकर नौकरी करें।
तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। कहने का ये हुआ कि यदि हम बिना डरे धमक के साथ एक कदम रखें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ना कर सकते। रही प्राध्यापकों की बात, हमने नया इस बार लागू किया ओएमआर शीट। लोग डर रहे थे, अरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नकल हो जाएगी और कॉपी जला दी जाएगी। हमने कहा हम करेंगे, क्योंकि समय पर परीक्षा करना, समय पर रिजल्ट देना, ये भी तो हमारा उत्तरदायित्व है कि बच्चे का कोई नुकसान ना हो। और एक बात मैं यहां कहूंगी डीके सिंह जी को, जब पतीले में चावल होता है तो उसका एक दाना ही हमें बता देता है कि चावल पक गया है। पढ़ने वाला विद्यार्थी उस पके हुए एक चावल की तरह है, जिसका बिहेवियर ये बताता है कि वो तैयार है। देखिए शिक्षा कहां से शुरू होती है, मां के गर्भ से। अभी एक मैंने पुस्तक लिखी गर्भ संस्कार, अभी पुस्तक आएगी, प्रेस में जा रही है। कि किस प्रकार, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी शिक्षा से। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, आपने महाभारत में क्या पढ़ा है, किसने गर्भ में शिक्षा ली थी, अभिमन्यु ने। और कहते हैं कि चक्रव्यूह जब तोड़ा जा रहा था तो कुछ तक जो जब बता रहे थे कुछ तक तो उन्होंने सुना, फिर वो सो गई, बच्चा पूरा नहीं सुन पाया अभिमन्यु, तो वहीं पर आगे का कार्य वो नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु हुई, है ना। कहने का मतलब ये हुआ शिक्षा कहां से शुरू होती है, मां के गर्भ से। शिशु जब जन्म लेता है माएं जानती हैं, पिता भी जानते हैं, मुट्ठियां बंद होती है बच्चे, उस मुट्ठी में वो दृढ़ संकल्प लेकर आता है, मैं कहां मैं कहां मैं कहां, वो कहता है, क्योंकि सुरक्षा सुरक्षित है मां के गर्भ में। बाहर की हवा जब उसको लगती है तब उसको लगता है कि उसका किसी ने विरोध किया, और वो कहता है क्या क्या क्या, मैं कहां आ गया मैं कहां आ गया मैं कहां आ गया, और फिर वो मुट्ठियां तानता है और कहता है जीवन पर्यंत मेरे मार्ग में जो भी अवरोध आएंगे उनका मैं डट कर मुकाबला करूंगा। ये मुट्ठी उसी का प्रतीक है। एक उंगली है तो जीतती नहीं है, दो उंगली है तो जीतती नहीं है, जब मुट्ठी बन जाती है तो हम जीत जाते हैं। और आप देखिए जो बच्चा है, आप देखिए जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी मुट्ठी बंद ही रहती है, आप उसको खोलने का प्रयास करेंगे वो फिर से बंद कर देगा, मुट्ठी नहीं खोलता है। क्यों, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो हाथ। मुट्ठी जब तक बंद रहती है तब तक हम अपना आत्मसम्मान अपनी शिक्षा सुरक्षित रखते हैं। जब मुट्ठी खुल जाती है तो हमारा आत्मसम्मान हमारी शिक्षा नदारद हो जाती है। ये है शिक्षा। कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखाने, ये क्या है अनुभव शिक्षा। फसल सूख जाए और फिर बारिश हो तो ऐसी बारिश का क्या है? मतलब हम समय के साथ चलकर यदि शिक्षा में बदलाव नहीं करते हैं तो हम खरगोश और कछुए की कहानी ही बन जाते हैं। तो हमें कछुए और खरगोश की कहानी नहीं बनना, हमें कूप मंडूक नहीं बनना, कुएं का मेंढक नहीं बनना। इतनी बड़ी दुनिया है, आप आंख खोलिए देखिए आगे बढ़िए। और हमको ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वह सब कुछ है जो विद्यार्थी को तैयार करेगी कि वो अपना जीवन यापन कैसे करे, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करे, वो अपनी मातृभाषा का महत्व कैसे जाने। हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, हम कहते हैं अंग्रेजी पढ़िए। अभी कल हमने एक बहुत बड़ी कार्यशाला की है भारतीय भाषाओं के ऊपर,
जहां पर भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, हिंदी नहीं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, सब तो भारत की भाषाएं हैं, तो हम अंग्रेजी भी बोलें। अब हम यदि ये कहें कि अंग्रेज बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। भाई अंग्रेज की मातृभाषा अंग्रेजी है तो बोलेगा, हम अपनी मातृभाषा तो ढंग से बोल लें। और हमें बड़ा दुख होता है आज यहां कहते हुए कि पूर्वांचल में बहुत विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, एक्सेलेंट, लेकिन बहुत विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि एक लाइन शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते। और ये मेरा अनुभव है, जब विद्यार्थियों के बीच पिछले वर्ष मैं खड़ी हुई और बच्चों से कहती थी कि बेटा अपना पत्र लिख कर दो, एक लाइन शुद्ध वो हिंदी नहीं लिखते। और कई बच्चे एक्सेलेंट है, बहुत बढ़िया करते हैं, क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। किस संदर्भ में कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा को सीखने पर बल देती, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को। हम अपनी बात अपनी संवेदना अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, बाकी हम जितने अभ्यस्त, मैं तो तमिल भी बोलती हूँ, मैं बांग्ला भी बोलती हूँ, मैं गुजराती भी बोलती हूँ, तो मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैंने सीखा। तो जहां शिक्षकों को कुछ भी सीखने का मौका मिले उसमें उम्र आड़े नहीं आनी चाहिए, वही शिक्षा है। हम शिक्षा को कभी ये नहीं मानते हैं कि 5 साल से 18 साल तक पढ़ लिया या 22 साल तक पढ़ लिया तो हम शिक्षित हो गए। हम तो अपने चपरासी से भी सीखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कुलपति एक तरफ, लेकिन कुलपति कैसे कार्य करे वो सबसे सीखता है। हम मौर्य जी से भी सीखते हैं, हम विजय से भी सीखते हैं, 10 बातें पूछ लेते हैं, बताओ विजय कैसे होगा, बताओ मौर्य जी ये कैसे होगा। राजेश बीच बीच में आते हैं, थोड़ा लड़ाई कर जाते हैं, वो भी बहुत चीजें हमें बता जाते हैं, समर बहादुर जी बता रहे थे। तो मेरा कहना ये है कि हम कोई भी विद्वान नहीं होते, केवल हर पग पर यदि हम सीखने जाएंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम विद्यार्थी रहें, आगे बढ़ते जाए। कहते हैं जैसे बहता हुआ जल रुक जाता है तो सड़ जाता है, हम बहते चलें। जब हम बहते चलते हैं और हम अपना आत्म परीक्षण करते हैं तो उससे बड़ी शिक्षा कुछ भी नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिरीक्षण सिखाती है, आप पहले अपने को जानिए, आप क्या विकास करिए, श्रवण कौशल का विकास करिए, लिसनिंग स्किल जिसको कहते हैं, आप जितना, क्योंकि आप देखिए कितने भी वेबिनार सेमिनार होते हैं, विजय जानते हैं कि हम दौड़ कर वहां जाते हैं, दौड़ कर हम अभी मेरा, मैं क्यों जा रही हूं, 3 बजे से विश्व में राम साहित्य उनकी प्रासंगिकता विषय पर दिल्ली बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई, केवल वो मुझे ऑनलाइन जोड़ रहे हैं। 28 और 29 दो दिन का उनका कार्यक्रम है तो मैंने 28 को मना कर दिया था क्योंकि कई मीटिंग्स थी, आज 3 बजे मैं जोड़ रही हूँ इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, ये भी मैं बता दूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने लोगों को सुन पाऊं, जब हम सुनते हैं तब हम बोलना जानते हैं। तो हम सभी अपने विद्यार्थियों से अपने प्राध्यापकों से केवल एक ही निवेदन करेंगे कि आप अपने में एक कौशल विकास कीजिए जिसको कहते हैं लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल। जब आप श्रवण कौशल अपने में पैदा करेंगे तब आत्मनिरीक्षण करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप बोल पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कुछ नहीं है, चाहे उसको आप कहिए बहुविषयक, चाहे कहिए कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन मतलब उसका केवल यही है कि एक विद्यार्थी जब विज्ञान पढ़ता है या एक विषय पढ़ता है, एक ट्रेंड में जाता है, तो दूसरा कुछ ट्रेंड थोड़ा सा सीख पाए, एक जगह नौकरी ना मिले तो दूसरी कला उसके काम आए, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो मुझे आशा है कि आप सभी इस कार्यशाला का मैं नाम दूंगी, इसका आप लोग लाभ उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है ये एक प्रश्न मंच भी होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आवर भी होना चाहिए, जहां पर इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं
और प्राध्यापक नए नए प्राध्यापक बैठे हैं वो क्वेश्चन करें, और जो भी विद्वान होंगे मुझे मैं चाहूंगी कि जीके सिंह जी रहें, आप रहिए यहाँ, रोके उनको और वो प्रश्नों का जवाब दें, बहुत बढ़िया जवाब देंगे मुझे आशा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे विद्यार्थी तो यहाँ नहीं बैठे हैं, पूरे चारों जनपद में परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत टाइट पोजीशन है। मैं सच बताऊं मैं बहुत डरती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तीनों पाली की परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह संपन्न हो जाए, और शाम को जब सोने जाती हूँ तब भगवान से प्रार्थना करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज की परीक्षा अच्छी हो गई। वो होते हैं और वो कैसे होगा, आप सभी के सहयोग से।